अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। दिसंबर 2021 का राशि फल है आपके लिए, और आपके लिए कैप्शन यहाँ पर लिखा गया है कि जो कभी आपको छोड़कर गए थे अब वही वापस आना चाहते हैं और आपको याद भी करते हैं। ये कौन है इनके बारे में ज़रूर बात करेंगे, साथ में बात करेंगे आपके लिए आपकी हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल, और अंत में कैप्शन की बात ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये है कि ये इस साल का सबसे लास्ट राशिफल है। इसके बाद जो राशिफल आएगा वो जनवरी दिसंबर 2022 का होगा। तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड आपको जो है नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इनके साथ में अब हम शुरू करते हैं आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग महीना है आपके लिए ये 2021 का दिसंबर। शुरू करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के सेक्शन से। भैया जो हमारे स्कॉर्पियो राशि के जो मित्र हैं वो हमेशा हेल्थ जो बढ़िया रखते हैं, देखने दिखाने लायक होते हैं। मैंने बोला कि ये जो है रोमांस के किंग्स एंड क्वींस बोला गया है इनको, और इस बार जो है बहुत ही एक तरीके से हेल्थ जो है वो बहुत ही शानदार रहेगा और आपका जो मूड है वो भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। और कोई दिक्कतें हैं नहीं क्योंकि एनर्जी आपके पास भरपूर होगी, तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे आप इस साल में, इस वाले महीने में। नेक्स्ट है हमारे पास में एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भाई ऐसा लग रहा है कि ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ है अब की बार। हो सकता है कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो आपके आसपास जिसकी वजह से तो मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उनसे अगर छुटकारा अगर आप पा सकते हैं, अगर आप वैसी चीज़ों से जिनसे आपको चिंताएं मिल रही हैं उनसे अगर आप थोड़े से दूर हो जाएंगे तो पढ़ाई पे जो है अपना ध्यान दे सकते हैं। ओके, और जो कि आपको थोड़ा सा कोचिंग वगैरह या कुछ ट्यूशन वगैरह चाहिए तो वो थोड़ा सा ध्यान आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल हल्का तो दिख रहा है कि, लेकिन आप उसको ठीक जरूर कर सकते हैं। 12-13 तारीख के बाद में वो ठीक होने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद में हैप्पी न्यू ईयर वाला वो आ जाएगा, न्यू ईयर और क्रिसमस वाला जो वीक आ जाएगा उसमें फिर जो है आपको आपका ध्यान फिर से भटकेगा। तो ये वाली ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक चलानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके करियर का मामला कि भाई करियर पर क्या होने जा रहा है। तो करियर में भी जो है हल्का फुल्का झगड़ा वहाँ पर लग रहा है कि कोई आपके कॉर्नर्स पे ध्यान देगा या कोई आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर कॉर्नर कटिंग करने की उम्मीद है। और ये जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग कम हैं, क्रेडिट लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, इनकी भरमार आपको आपके करियर पर दिखाई पड़ेगी। अब अपना काम करते रहें, क्वालिटी वर्क करते रहें, अगर कोई क्रेडिट लेकर के भी जा रहा है तो उसको ले जाने दें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो आपके भाग्य में है वो आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस कि रुपए पैसे का मामला कैसा लग रहा है। रुपए पैसे का मामला भी जो है वो थोड़ा सा हल्का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आप जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं इस महीने में कि जो है कि भाई कम है दिन, वर्किंग डेज कम है या कुछ इस तरह की परेशानियाँ हैं, लेकिन जो है फिर भी जो है पैसा आना कम नहीं होगा, पैसा आता रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम स्टार्टअप शुरू करने का नहीं है और किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने का ये बिल्कुल टाइम सही नहीं है, ऐसा मान के चल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए लव का मामला। स्कॉर्पियो राशि वाले जिनके लिए प्यार मोहब्बत ही सब कुछ है, तो जो सिंगल हैं उनको जो है इमोशनल हो जाएंगे वो काफ़ी, और जो है काफ़ी भावनात्मक तौर पर जो है उनको जुड़ाव होगा किसी के साथ में। और हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से ही कोई पुराने कोई साथी वापस आ जाए, ठीक है। और लेकिन जो है किसी भी प्रकार से अपने आप को पीड़ित की तरह से पेश मत कीजिए रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आपके लिए जो है लव का जो है वो राशिफल ये रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी में वही जो है जो आपसी प्रेम है पार्टनर के बीच में और आपके बीच में वो और ज़्यादा गहरा होगा, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी वजह से और जो है संबंध वो गहरा होता चला जाएगा और दोनों जो है खुश रहेंगे।
परिवार में जो है हो सकता है किसी नए नए सदस्य का आगमन हो इस बार, बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के लिए ये महीना बहुत ही एक्सीलेंट मंथ्स में से माना गया है कि जिसमें जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको यारी दोस्ती पूरी तरीके से काम आएगी आपके, और यारी दोस्ती से आपको जो है इस बार फायदा भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली के, भाई परिवार में क्या होने जा रहा है। परिवार के मामलों में ये वाला महीना एवरेज रहेगा, आप थोड़ा सा आपको जो है इंटरेस्ट भी कम है परिवार के मामलों में, लेकिन कुछ पैसा वगैरह परिवार में लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जो कि किसी प्रकार का वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन या कोई रिपेयर वर्क या इस तरह की चीज़ें चल रही हो सकती हैं। ठीक है, परिवार में बीच महीने में थोड़ा सा खटपट लोगों के साथ में होने की संभावना भी लग रही है कि आपस में लोग खटपट ना कर बैठे। अगर ऐसा होता है तो आप शांत रहिए और दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात मान जाएंगे वो। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए ट्रैवल की, यात्राओं के विषय में क्या होने जा रहा है। तो यात्राओं के विषय में भाई ये है कि इनसे फ़ायदा होगा, इन यात्राओं से आपको बढ़िया जो है आपको इनसे एंकरेजमेंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपको जो है यहाँ पर हौसला भी मिलेगा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो ट्रैवल जो है वो ये है कि ट्रैवल, काफ़ी सारा ट्रैवल आपका इंतज़ार कर रहा है। ऑल थ्री काइंड्स आप जो है ट्रैवल पे जा सकते हैं, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। ठीक है, इन तीनों ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं कैप्शन की, कि जो कभी आपको छोड़ कर गए थे वह वापस आना चाहते हैं। तो भाई ये कौन कौन लोग हैं, सबसे पहले इनका पता करना ज़रूरी है। अगर आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं तो सबसे पहले आपके बारे में, ठीक है, ये जो भाव रखते हैं ये कौन रखते हैं आपकी लाइफ में। एक तो टॉरस वृषभ राशि वाले हो गए, कैंसर कर्क राशि वाले हो गए, लियो सिंह राशि वाले हो गए, और लास्ट नॉट दी लीस्ट वो हो गए पाइसस यानी कि मीन राशि वाले। ये अगर आपको छोड़कर गए थे तो ये वापस आना चाहते हैं और ये जो है आपको याद भी करते हैं। अगर आप स्कॉर्पियो राशि की महिला हैं तो क्या हिसाब किताब है। अगर आप वृश्चिक राशि की महिला हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये जो है एक तो मेष राशि वाले, टॉरस वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, कन्या यानी के वर्गो, और कैप्रिकॉर्न यानी के मकर, और जो है मीन राशि वालों का ये भाव आपकी लाइफ में हो सकता है। और इनमें से अगर कोई अगर छोड़ कर गया है तो वो अभी तक आपको भूल नहीं पाया है और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, भले ही जो है यहाँ पर 15-20 साल गुजर गए हों पीछे। तो प्रेम कैसे ही होता है, अपना ख्याल अवश्य रखें, और हमारा चैनल जो है वो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हम जो है नए नए वीडियोज देते रहेंगे, और आपके आने वाले साल के लिए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल अवश्य रखें, हमारा चैनल आप ज़रूर देखते रहें, और अगर कोई भी कमेंट या कुछ आप पोस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हम आपको जवाब देने का प्रयास ज़रूर करते हैं। और जितने भी वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं सब पे हम जो है पर्सनली लाइक तो उनको ज़रूर करते हैं, लाइक और एक हार्ट का जो है प्रेस बटन प्रेस ज़रूर करते हैं आपके कमेंट पर, ठीक है। और कुछ कमेंट्स को हटाते भी हैं जो कि मतलब लगता है कि भई इनका टेस्ट सही नहीं है या उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनको हटा भी देते हैं। तो अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड, एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, वेरी सून इंडीड। ओके, ऑलराइट देन, टेक केयर, बाय बाय।